हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्यूटीफुल स्लीव्स बनाना। तो ये हमारी स्लीव्स है, इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच है, इसकी जो चौड़ाई है वो हमने यहाँ पर 9 इंच लिया है मार्जिन के साथ में। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क कर देना है, तो हमने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसकी यहाँ से हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो ऐसे आपको यहाँ पर शेप दे देना है और हल्का सा यहाँ भी हमें राउंड शेप इस तरह से दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है और इसे भी हम कट कर लेते हैं। अब इसे देखिए, इसको हमें कैनवास पेपर के ऊपर रख के कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ये कैनवास पेपर ले लिया है। अब इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे और साइड से हमें थोड़ा सा बड़ा ही कट करेंगे, 1.25 या 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ही कट करना है और नीचे से बिल्कुल आपको बराबर कर देना है। तो ये अब ये हमारा जो डिज़ाइन है इसे हम रखेंगे अपने मैन फैब्रिक पे। तो उससे पहले हमने ले लिया है मैन वाला फैब्रिक, मतलब जो भी, अगर आपको कॉन्ट्रास्ट में भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कपड़ा यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको इस तरह से चुन्नट बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चुन्नट बना लिया है, इतना काफ़ी है, इतना आ जाएगा, इसलिए मैंने पूरे में नहीं बनाया है। अब इस जो कैनवास पेपर है हम इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और जो कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे जितना हमें चाहिए उतना ही। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कट करके अलग कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है उसको हमें पीछे की तरफ रखना है, उल्टे उल्टे साइड में रखना है, और इसे हम अच्छे से सेट करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा दिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट भी कर लिया है। अभी हमें ले लेना है अस्तर। उससे पहले ये जो हमने सेंटर पे सिलाई लगाया हुआ था, जो फ्रिल हमने बनाया है सेंटर पे सिलाई लगाया है, वो सिलाई को खोल देते हैं। तो हमने सिलाई खोल दिया है, उसके बाद हमें अस्तर का कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर आप देख रहे हैं मैं नीचे सिलाई लगा रही हूँ, तो नीचे आपको सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसे कट करेंगे। अब इसे हम पलटा लेते हैं। तो इस तरह से हमें पलटा लेना है। अब इसे हमें तीनों साइड सिलाई लगा के अटैच कर लेना है, मतलब कैनवास पेपर जो है वो हमारा बाहर की तरफ ना दिखे, जब हम पहने तो वो ना चुभे, इसलिए हमें अंदर की तरफ अस्तर का कपड़ा लगा लेना है। अब इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। तो देखिए ये हमारा उल्टा सीधा इस तरह से हो गया है। अब हम ले लेते हैं हमारा ब्लाउज का पीस और इसको हम एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग करते हुए जाना है। तो ये हमारा जो कपड़ा है वो रेडी हो गया है। उसके बाद हमें इस पर पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ कॉन्ट्रास्ट में लिया है कपड़ा, तो इस तरह से आपको उरेब में कट करनी है ये पट्टी जो हम पाइपिंग बनाएंगे वो। अब इसे हम किनारे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगा देते हैं, कॉर्नर पे हम अच्छे से कट करेंगे। बस ध्यान रखिए कि कपड़ा आपका धागा जो सिलाई है वाला है वहाँ तक ना कट हो। और छोटे छोटे कट लगाने के बाद यहाँ पर आपको जितनी भी मोटी पतली पाइपिंग जैसे भी रखनी है उस हिसाब से आप रख लीजिए और सिलाई लगाते हुए जाइए। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे ऐसे आपको यहाँ पर पाइपिंग बना लेना है। अच्छे से सेट करते हुए हम पाइपिंग बनाएंगे बिल्कुल एक समान। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पाइपिंग है वो आस्तीन पे बन चुकी है।
अब इसे हम साइड में रख लेते हैं और जो हमने डिज़ाइन बनाया है उस पर भी हमें पाइपिंग बनाना है नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमें इसके रखना है। और यहाँ भी हम ऐसे ही पाइपिंग बना लेंगे। तो जो ये हमारी पाइपिंग है वो बन गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और इसको हम सेंटर में अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने सेट कर लिया है। चाहे तो आप यहाँ पर पिन लगा लें ताकि ये सरके ना। मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से रखते हुए डायरेक्ट इस पर सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारी जो सिलाई लग के रेडी हो गई है और हमारा जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो भी बन के रेडी हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।